वरकात। आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बावजीर। आज मैं जलपली म्यूनसिपल एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदा रेड्डी के एरिया में, रंजीत रेड्डी एमपी के जलपली म्यूनसिपल के एरिया में वार्ड नंबर 25 में हूँ, जो ये एरागुंटे के अंदर आता। आज मैं जहाँ पे ठहरा, यहाँ पे 3 महीने पहले भी मैं यहाँ पे 4 महीने पहले या 3 महीने पहले भी वीडियो बनाया था। ये हमारे हिंदू भाइयों का मसान गट्टी है, उनका कब्रस्तान बोला जाता। ये कब्रस्तान के अंदर इतना कचरा है, बाउंड्री वॉल नहीं है, इसको कुछ भी नहीं है। मैं हिंदू भाइयों से, मेरे और ऑफिसर्स, हिंदू ऑफिसर्स से और पुलिस डिपार्टमेंट से, हों दो हर डिपार्टमेंट से, ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो मैं आपका मसान गट्टी बता रहा हूँ ये गलत बता रहा हूँ क्या? बहुत है वाकई में, तो दुनिया की ताकत मेरी मौत को नहीं रोक सकती। और मैं काम बताते हुए रहता हूँ। मैं बहुत दिन से कामों में था, रमजान था, तो समझ रहे हैं वीडियो नहीं आया, वो डर गया, 5 नंबर वार्ड में बनाया था उसके बाद डर गया। सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, घर वालों से, किसी जलपल्ली म्यूनसिपल के जो 5 साल के वास्ते बैठते, फिर चिंदी के ऐसा उखाड़ के पब्लिक फेंक देती, पब्लिक भीख पे जीता ही तुम लोगों को, भीख पे। आने वाला इलेक्शन करीब है मैडम, ये मसान गट्टी का काम कराइए, बाउंड्री वाल उठाइए, 5-6 लाख रुपये में बाउंड्री वाल उठ जाती, अंदर आप लेटान लगाइए, काम करिए। शेख सईद बावजीर का कहना यही है, दूसरा कुछ भी नहीं। अगर कोई मुझको छेड़ेगा तो मगर मैं उसकी जातियत पे बरोबर जाऊंगा। मैं काम बता रहा हूँ, आम का काम करता रहूँगा, काम करने से नहीं रोकते। आप जो करना चाह रहे हैं करिए, जलपल्ली म्यूनसिपल। रोज़ अकेला निकलता हूँ, अकेला फिरता हूँ, अल्लाह की इज़्ज़त से उम्मीद है। तवक्कल अल्लाह, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।